आदमी पार्टी से डरते हैं। लगातार अरविंद केजरीवाल जी पे लगाए, लेकिन ये बीजेपी वाले साबित क्यों नहीं कर पाते के पास वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जो है वो प्रोटेस्ट जारी है और इनका कहना है कि अमान अब्दुल्ला को जो है गिरफ्तार किया गया है। देख लीजिए अब कितनी संख्या में जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आ रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो ईडी सीबीआई ने जो गिरफ्तार किया है उसको जो है वो सब उनके चंगुल में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ क्यों आप लोग प्रोटेस्ट करने क्यों? जी कल अवैध तरीके से अमातुल्ला खान जो ओखला के विधायक है उनको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी माता जी की तबीयत भी बहुत खराब है, उसके बावजूद बेरहम तरीके से घोटाले में माता जी की तबीयत का क्या लेना देना है? घोटाला उन्होंने किया है ना, किया है तो उन पर आरोप लगे हैं अगर तो फिर उनको जांच आने दीजिए ना, उसमें आप इमोशनल चीजें क्यों डाल रहे हैं? घोटाले का आरोप तो संजय सिंह पे भी लगा था, सत्येंद्र जैन पे भी लगा था, मनीष सिसोदिया पे भी लगा था, अरविंद केजरीवाल जी पे भी लगाया, लेकिन ये बीजेपी वाले साबित क्यों नहीं कर पाते? इनसे साबित तो करें कि हमने कुछ घोटाला किया है। हमारी पार्टी एक बहुत ही सुलझी हुई और काम करने वाली पार्टी है, ये लोग खामखा इनको चुनाव आ रहा है इसलिए परेशान कर रहे हैं। इतना डर क्यों है? जांच ही तो हो रही है ना, आरोप ही लगे हैं, जांच होने दीजिए। डर तो बीजेपी वाले रहे हैं जांच करवा करवा के, कुछ उखड़ तो उनसे हो नहीं रहा, लेकिन जबरदस्ती जांच करवा रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ मिल नहीं रहा, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान करने की ये साजिश है। मतलब एक तो आप लोग कह रहे हैं कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, दूसरा जब संविधान वहाँ पर आ रहा है तो आप लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। संविधान क्या आम आदमी पार्टी के लिए आ रहा है? सबके लिए, सारे सबके लिए आ रहा है। आप कौन से ऐसे किसी बीजेपी नेता को बताए? तमाम ऐसे लोग हैं जो सब पर होता है, सब पर शिकंजा जाता है, सब पर जांच होती है, वो तो वहाँ नहीं प्रोटेस्ट करने उतर आते हैं, आप लोग क्यों हमेशा सड़कों पर? बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन वो अपने नेताओं के पास लेती है और उन्हें धुल देती है। आम आदमी पार्टी के पास नहीं है? आम आदमी पार्टी एक सुलझी हुई पार्टी और काम करने वाली पार्टी, केवल ये परेशान करने की साइज और कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप यहाँ पर है, दिल्ली की स्थिति क्या से क्या हो गई है और आप लोग अभी भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है, आम आदमी पार्टी के किसी भी एक नेता को बता दीजिए जिस पर आरोप ना लगे और जिसको जो है वहाँ पर लाया ना जा रहा हो, शिकंजे में ना लाया जा रहा, उसको जांच के लिए नहीं लाया जा रहा है, बार बार ईडी सम्मन भेज रही है, कोर्ट की तरफ से सम्मन आ रहे हैं, आप उसको नकार रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, यही कौन सा तरीका है? कहाँ ये संविधान में लिखा हुआ है? आरोप लगना बड़ी बात नहीं है, आरोप सिद्ध करना बड़ी बात है। यही तो मैं कह रही हूँ कि जितने भी आरोप लगे हैं आप कह रहे हैं आरोप, एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ आज तक। अभी होने दीजिए ना इसको भी, सिद्ध नहीं हुआ वो तो अच्छी बात है, वो अरे वो तो आपके लिए अच्छी बात है ना, आरोप जो है वो लगे हैं वो सिद्ध नहीं हुए, आज होने दीजिए ना, प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत है? इलेक्शन से पहले ही क्यों होता है, हर बार इलेक्शन से पहले ही क्यों करते हैं? अभी 25 का इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन से पहले फिर बंद कर रहे हैं, अभी और नेताओं को और परेशान करना चाह रहे हैं हमारे आम आदमी पार्टी के, और कई भाजपा में भी तो बहुत सारे भ्रष्टाचारी है, उनके पास जाते ही वो कहना उन पर भी होता है। आप किसी छगन भुजबल पे क्या हुआ सब? अरे हम आपको बताएं, आपको पता क्यों नहीं होता है? आप पर जब कुछ होता है, आप पर जब कोई कार्रवाई होती है तो आप सड़कों पर उतर आते हैं, उन पर जब कोई कार्रवाई होती है तो कहते हैं ठीक है हम इनके आदेश का पालन करेंगे, हम संविधान को मानते हैं, ये जांच होने दीजिए। आप बीजेपी के किसी एक नेता को दिखा दो जो घोटाले के अंदर उसको बर्खास्त किया गया हो, उनके सारे केस हट जाते हैं, सांसद का पद मिल जाता है। किसके केस हट गए? क्या किसके केस हट गए? जगन भुजबल हो गया, शुभेंदु अधिकारी हो गया, आपने देखा केस हट गए? बीजेपी में जाते हैं इनके पर सारी कार्रवाई बंद हो गई, उससे पहले बीजेपी वाले हल्ला मुल्ला कर रहे थे, केस हट गए, आपने कहा भी केस हट गए, तो केस हटी गए समझ लो आप, जब उसको समझ क्यों लो केस हट गए, केस हट गए जो बीजेपी में जाने के बाद जब ये हल्ला कर रहे थे बीजेपी में, जब वो नहीं थे उससे पहले प्रदर्शन कर रहे थे, आज क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे? बीजेपी वाले आज भी प्रदर्शन कर रहे ना, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमारा काम है संविधान को मानना, वो ये कह रहे हैं। संविधान को नहीं मानते, वो अपनी वॉशिंग मशीन को मानते हैं जिसमें वो कोई भी घुसाते हैं किसी भी नेता को। आपने देखी है उनकी वॉशिंग मशीन? देखी है सबने, जब पूरी जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है वॉशिंग मशीन उनकी, जो भी उनके पार्टी में जाता है वो साफ हो जाता है और जो दूसरी पार्टियों में है वो बेकार है। कल को अगर मान लीजिए केजरीवाल भी ज्वाइन कर ले रहे हैं बीजेपी तो क्या होगा फिर? वो भी सही, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी क्रांतिकारी पार्टी है, वो कभी भी बीजेपी में ज्वाइन नहीं करेंगे, ये काम करने के लिए हम आए और हम काम करेंगे, हम काम के काम से जवाब देते हैं, हम जेल से और किसी को दड़ा के धमका कर जवाब नहीं देते। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली की स्थिति बद से बदतर कर दी आप लोगों ने, यहाँ की पार्टी ने शासन करके, और आप लोग कह रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी के लिए काम करें, आम आदमी पार्टी के लिए वही केजरीवाल है जो जंतर मंतर पर बैठ के जिसने ये कहा था कि हम जो है वो कोई गाड़ी नहीं लेंगे, कोई बंगला नहीं लेंगे, आज इनकी स्थिति यह है कि आज महलों में रहना आम से खास हुए। दिल्ली की जो हालत है हमने अच्छी करी है, हमने बेकार नहीं करी। आपको बयान याद है कि हमने गाड़ी
गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, याद है बयान की? जी बिल्कुल याद है। महलों की गाड़ी आम से खास हो गए जी, समय के साथ परिवर्तन जरूरी है और उनको खतरा था, उनके ऊपर सियाही बैठी गई, उनके ऊपर किसी ने हमला किया गया, उसके बाद ही बीजेपी की जो पुलिस है वो रक्षा नहीं कर पा रही थी, इसकी वजह से सारे काम हुए। आज यहाँ पर देखिए सब लोग जो हैं, ये आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं सड़कों पर, और इनका सीधा सीधा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की जो है वो अवैध गिरफ्तारी हो रही है, उसको बंद करिए, जितने भी लोग ईडी और सीबीआई का जो है वो दुरुपयोग किया जा रहा है, और दुरुपयोग इनका सीधा सीधा कहना है कि दुरुपयोग किया भी जा रहा है, वो जो भी सेंट्रल एजेंसियों को मुहरा बनाया जा रहा है, और ये सारी गिनी चुनी साजिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी की, इसको लेकर के आज सड़कों पर है और ये कह रहे हैं कि हम यहीं पर बैठे हुए हैं, अगर कोई विधायक है, अगर कोई सांसद, जब तक वो किसी और पार्टी में रहता है तब तक उस पर शिकंजा कसा रहता है, तब तक उस पर कार्रवाई होती है, और जैसे ही वो जो है वो किसी और पार्टी में जाता है पूरी तरीके से वो साफ हो जाता ही नहीं है, मतलब उनके पास जो है वो वॉशिंग मशीन है, ये सीधा सीधा इनका आरोप है। और यहाँ पर 144 लगा दी है, पुलिस व्यवस्था को अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। यहाँ पर जो आपके विधायक हैं, जो पार्षद हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि जो अमान अब्दुल्ला पर जो है वो आरोप लगे थे वो झूठे आरोप लगे, उनके घर की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, और उसको लेकर के ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है वो पुलिस से इनकी झटपट हो रही है, और इनका ये कहना है कि हम जो है वो वहाँ तक जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो पुलिस से पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, और आज ये यहाँ सड़कों पर इसीलिए बैठे हुए हैं, इनका ये कहना है कि हम यहाँ से जो है वो हिलेंगे नहीं, और तमाम ऐसे लोग हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ विधायक है, आप क्या इनसे बातचीत करेंगे? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, देखिए जिस तरह से अमानतुल्ला खान की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है और मोदी जी और अमित शाह जी ये जो खेल कर रहे हैं ईडी सीबीआई के, इसको बंद करें, इंसानियत से गिरा हुआ काम उन्होंने करा है कि उनके घर में उनकी सास जो कि कैंसर पीड़ित थी, 4 दिन उनके ऑपरेशन को हुए थे और उन्होंने ये गिरफ्तारी करके इस चीज को साबित कर दिया। तो तब हुई है ना जब पहले संबंध उनके पास गया, उन्होंने उसको माना ही नहीं तो क्या करेगी, उसके पास तो मजबूरी है। ऐसा नहीं जवाब दिया, 2 हफ्ते का टाइम मांगा था आपने, उनकी वो नहीं देखी जो उन्होंने अपने घर से वो वीडियो। ईडी का कहना है कि इससे पहले जब अब उन्होंने टाइम मांगा, इससे पहले उनको कई बार समझ जा चुके हैं, हर बार हर संबंध का जवाब दिया है, जब जब बुलाया जब जब गए हैं, जब सीबीआई ने और एसीबी ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी 2016 के केस में, तो इतनी क्या आफत आ रही थी जो 2 हफ्ते का टाइम भी नहीं मिल सकता था। जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, ये सारे क्या मतलब इन पर आरोप क्यों लगते जा रहे हैं, क्यों बार बार इन लोग आरोप पे, कभी इन पर आरोप लगा है, कभी किसी एमएलए पर, कभी शिक्षा मंत्री पर, कभी सीएम पर लग जा रहा है? बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल करा, जिस तरह से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के जो काम की राजनीति है, अगर बीजेपी और मोदी जी किसी से डरते हैं दुनिया में तो वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से डरते हैं, ये आम आदमी पार्टी को खत्म करने की एक साजिश है। अच्छा इनका सीधा सीधा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी को जो है वो खत्म करने की साजिश है, इसीलिए सरकार क्या कर रही है, सरकार ये पूरी कोशिश कर रही है कि चुनाव आने वाला, इनका सीधा सीधा आरोप है चुनाव आने वाला है, और उसको लेकर के आज यहाँ पे ये प्रदर्शन में सरकार ये चाहती है पूरी तरीके से कि आज जितने भी लोग जो सड़कों पर है तो वो जो है वो उनको अंदर कर दिया जाए, और तमाम ऐसे लोग हैं बातचीत करेंगे और लोगों से, लेकिन उससे पहले ये समझिए ना कि ये सड़कों पर खड़े हुए हैं।